गलवान में चीनी फौजियों ने जब धोखे से हमला किया तो उस वक्त हमारे सैनिक बहुत कम संख्या में थे। जिन 20 सैनिकों की शहादत हुई उसमें सबसे छोटी उम्र के बहादुर जवान ने जो जाबाजी दिखाई उसे आप सुनेंगे तो आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा। गलवान में 15 जून की रात में जो कुछ हुआ उसके बारे में अब तक आपने बहुत कुछ सुना होगा, बहुत कुछ पढ़ा होगा, लेकिन आज आपको इंडिया टीवी जो बताने जा रहा है उस पर हर भारतवासी गर्व करेगा। ये गुरतेज सिंह है, उम्र सिर्फ 23 साल। गलवान की घाटी में चीनी सैनिकों से हुई हिंसक झड़प में भारत की तरफ से शहीद होने वाला सबसे कम उम्र का भारतीय जवान गुरतेज उस रात चीनी सैनिकों के साथ लड़ते लड़ते शहीद तो हो गए, लेकिन शहीद होने से पहले उन्होंने 12 चीनियों को मौत के घाट उतार दिया था। गुरतेज सिंह के हौसले की दास्तान सुनेंगे तो सिर फख्र से ऊंचा हो जाएगा, सीना चौड़ा हो जाएगा। 3rd पंजाब की घातक प्लाटून के सिपाही गुरतेज सिंह ने 15-16 जून की दरमियानी रात चीन के फौजियों के दांत खट्टे कर दिए थे। उस रात गुरतेज सिंह के साथ मौजूद जवानों ने झड़प की जो कहानी बताई उसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। साथी जवानों का कहना है कि गुरतेज सिंह पर 4 चीनी सैनिकों ने अटैक किया था। बोले सोनेहाल सत श्री अकाल का नारा लगाते हुए गुरतेज सिंह चीनी फौजियों पर टूट पड़े। उन्होंने अटैक करने वाले चीन के 4 फौजियों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन इस वक्त गुरतेज सिंह का पैर फिसल गया, वो नीचे बड़े पत्थर पर गिर गए। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि शहीद होने से पहले गुरतेज सिंह ने 12 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। मैंने ये भी सुना है कि वहां लड़ाई के समय गुरतेज सिंह ने नारे लगाए थे, जो बोले सोनिहार सत श्री अकाल और 1.25 लाख से 1 लाख लड़ाऊं चिड़ियन ते मैं बाज तुड़ाऊं तबे गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। इस तरह की पॉजिटिव चीजें वो यहाँ भी बहुत करता था। ऐसे चीजें उसमें पॉजिटिव चीजें यहाँ पे बहुत करता था। चीनी सैनिकों को लगा कि गुरतेज सिंह शहीद हो गए, लेकिन गुरतेज घायल शेर की तरह जंग के मैदान में वापस आए। घायल होते हुए भी गुरतेज ने अपनी कृपाण से 7 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। नीचे गिरने से गुरतेज की गर्दन पर गंभीर चोट आई थी। शहीद होने से पहले गुरतेज ने अपनी पगड़ी बांधी थी, लेकिन इसी वक्त चीनियों ने फिर से गुरतेज पर पीछे से हमला कर दिया। इसके बाद भी उन्होंने एक और चीनी सैनिक को कृपाण से मार डाला और फिर हमेशा हमेशा के लिए भारत माँ की गोद में सो गए। गुरतेज सिंह अपने परिवार में सबसे छोटे थे। उनकी माँ ने बताया था कि वो बचपन से ही फौज में भर्ती होना चाहते थे। जिस दिन गुरतेज सिंह देश के लिए शहीद हुए उस दिन उनके गांव में बड़े भाई गुरप्रीत सिंह की शादी हो रही थी, लेकिन देश की खातिर गुरतेज भाई की शादी में नहीं गए। गांव में बड़े भाई की शादी का जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन गुरतेज सिंह सिर पर कफन बांधकर चीनी फौजियों से लड़ रहे थे। गलवान घाटी की ये वो दासता है, ये वो पराक्रम है जो हमारे हर सैनिक में है। वक्त आने पर हमारा एक एक जवान दुश्मन के 100-100 जवानों पर भारी पड़ेगा। गुरतेज सिंह ने चीनियों को ये बात समझा दी है। देश के जवानों के शौर्य पर सवाल उठाने वालों को भी इसे समझ लेना चाहिए।